कई दशकों से फली एस नरीमन एक प्रख्यात विधि वेत्ता है, जिनके विचार सत्ता के गलियारों न्यायिक और राजनीतिक दोनों में ही न केवल सुने जाते हैं बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। आज हम आपके लिए फली नरीमन के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं भूल ना जाऊं मेरी कहानी पुस्तक का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसे हमारे प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। साथ ही आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपके लिए उनके जीवन की कुछ अनसुनी बातें भी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। फली एस नरीमन का जन्म 10 जनवरी 1929 को हुआ था। नरीमन की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले बीकॉम किया और फिर कानून की डिग्री हासिल की। हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक साल तक न्यूयॉर्क में एक लॉ फर्म के साथ उन्होंने वकालत की, जिसके बाद उन्होंने भारत आकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। 37 साल की उम्र में फली एस नरीमन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बन गए। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट बनने के लिए तब मिनिमम उम्र 45 साल चाहिए थी, लेकिन उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में बदलाव किया। वे एक प्रतिष्ठित भारतीय संवैधानिक विधि वेत्ता और भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ICC अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कोर्ट के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मामले में भारत के सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक वकीलों में से एक फली नरीमन भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। आपको बता दें, उन्हें साल 1991 में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण, न्याय के लिए साल 2002 में ग्रूबर पुरस्कार और साल 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। फली नरीमन सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज रहे जो अपने धर्म के शीर्ष पुजारी भी रहे। फली पुजारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बांद्रा अग्यारी में पारसी धर्म का पुजारी बनने की दीक्षा ले ली थी। इसके बाद उन्होंने पारसी समुदाय के कई लोगों की शादी और बच्चों के संस्कार भी कराए। बात करें इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक में उन्होंने अनेक हाई प्रोफाइल मुकदमों में अपनी भूमिका को भी प्रस्तुत किया है और राज्यसभा में अपने कार्यकाल के बारे में भी बताया है। इस सूचनात्मक शिक्षा प्रद पुस्तक को वकालत के पेशे से जुड़े लोगों और आम पाठकों के लिए पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, फली एस नरीमन के बारे में और जानने के लिए आप उन्हीं के द्वारा लिखी गई मैं भूल ना जाऊं मेरी कहानी पुस्तक की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।